सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भाई, निफ्टी क्रैश हो चुका है, इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं, हालांकि जितना पोर्टफोलियो टूटा है भाई, तो पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है? पोर्टफोलियो आज फिर आप लोग देखोगे हमें जो ना अभी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिन से थोड़ा बहुत संभला, गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती, इतनी बड़ी तेजी भी नहीं बनी पोर्टफोलियो में, वो तो आपने देखा होगा। और अब आप लोग देखोगे आज फिर जो पोर्टफोलियो है वो वाट लगी पड़ी है। निफ्टी 61 पॉइंट नीचे है, तो सेंसेक्स भी आप लोग देखोगे 160 पॉइंट के करीब नीचे में है। बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल अभी 0.25% के करीब, और इसके चलते जो IT सेक्टर है ये हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है भाई। मार कहाँ पर खाई है? मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप आप लोग देखोगे 1% के करीब टूट चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% के करीब टूट चुका है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और यहां पर दबाव क्यों? अभी देखो एक बार फिर से, मैंने कल भी आपको समझाया था ना मार्केट के चार्ट के ऊपर, देखो भाई निफ्टी में जो ना अभी भी जो टेक्निकल व्यू से आप लोग देखोगे तो कहीं पर भी हमें जो ना अभी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, चौतरफा पिटाई के संकेत मिल रहे हैं चार्ट के हिसाब से। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कल जो रिजल्ट्स आए थे, आप लोग देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद भी 6-7% ऊपर में ओपन होने के बाद स्टॉक 7-8% नीचे चला गया है भाई। डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, जी हाँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, रिवेन्यू मार्केट एस्टिमेट को बीट किया, उसके बावजूद ओपन तेजी में हुआ, लेकिन उसके बाद जो गिरावट बनी है वो आपके सामने 6-7% स्टॉक क्रैश हो गए, इतने रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी। ये मार्केट का कमाल है भाई, यहाँ पर पब्लिक के अंदर जो डर बना हुआ उसका कमाल है। इसके बाद आप लोग देखोगे जो PSU है वो डटने का नाम ही नहीं ले रहे अभी गिरावट से। कोचिंग CPR 55% के करीब टूट चुका है, ठीक है, अदर जो PSU उनमें भी बड़ी गिरावट है, NBCC, हुडको, NHPC, SJVN सभी की वाट लगी पड़ी है। इसके अलावा आप लोग देखोगे बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट खराब भी आए कल के दिन, जैसे कि आप लोग देखोगे चेन्नई पेट्रोलियम के पेट्रोकेमिकल्स है, उसके रिजल्ट खराब आए थे, ठीक है। और इसके चलते आप लोग कोलगेट रिजल्ट्स तो ठीक थे, लेकिन आज आप लोग देखोगे बड़े दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते आप लोग देखोगे इंडसइंड बैंक बड़े खराब रिजल्ट और 15% शेयर क्रैश हो गया है भाई। JSW एनर्जी के खराब है, 4% के करीब गिरावट है। अडानी टोटल गैस अच्छे रिजल्ट्स आए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अच्छे रिजल्ट्स आए, बट आज सॉरी अडानी पावर के, लेकिन आज आप लोग जो अडानी बिलमार है आज आपको इनके अंदर भी दबाव दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट का कमाल, अभी मार्केट में अभी कहीं पर भी कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, चौतरफा पिटाई के संकेत हैं। हालांकि US बाजार कल पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आए, अभी NASDAQ में पॉजिटिव क्लोजिंग आई, रसल S&P 500 डाओ जोन्स ही नीचे गया भाई। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करें तो ये भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आए थे कल के दिन, बट आप लोग देखोगे आज जो माहौल है वो मार्केट का अलग ही है। तो स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर और दबाव बढ़ सकता है, अभी ध्यान रखना। और ये जो डाओ फ्यूचर, NASDAQ फ्यूचर और जो S&P 500 फ्यूचर आज ये फिर दबाव में, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी का, कहाँ पर क्या सपोर्ट वगैरह बन रहा आगे के लिए। तो यहाँ पर देखो भी निफ्टी अभी सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, मैंने आपको पीछे भी कई बार समझाया। अभी देखो गिरावट बनी है, करेक्शन बनी है, पूरी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, उधर FII वाले 1,00,000 करोड़ प्लस की सेलिंग कर चुके हैं भाई मार्केट में। 1,00,000 करोड़ की सेलिंग थोड़ी नहीं होती है, प्लस तो नहीं भी 1,00,000 करोड़, 97,000 या 98,000 करोड़ के आसपास है, यानी लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास ही सेलिंग हुई है। 1,00,000 करोड़ की सेलिंग होने के बावजूद आप लोग देखो कि निफ्टी कितना डाउन आया भाई, 6% डाउन आया ना, 6.25% है, तो क्या ही गिरावट बनी, कुछ भी गिरावट नहीं है। लेकिन अभी सेंटीमेंट जो है ना अभी वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन को लेकर बहुत से सवाल उठे जो सरकारी कंपनियां उनके ऊपर, और हो भी गए थे भी ओवर वैल्यूड, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो भी गए थे, बट अभी जो एक गिरावट बनी इसके बाद एक एडजस्टेबल वैल्यू है वो इनकी हो जाएगी। और इसके बाद ऐसी बात नहीं कि बस यहीं तक सब कुछ ठीक है, ये तेजी भी दिखाएंगे, बट उसके लिए अगला 1 साल का आपको जो है टाइम यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गलती मत करना, देखो भाई हाई प्राइस से खरीद लिए हैं, अब गिरावट में मत बेच देना। अगर आप लोग गिरावट में बेच के निकलोगे ना तो आपको लॉस होएगा, अगर जैसा वैसा रखने की कोशिश करोगे, देखो भाई आपको पता है हम यहाँ पर रख रहे हैं अपने होल्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट रखे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है भाई ये एक टाइम के बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी इन सब की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसे लंबे समय के लिए रख लीजिए, कंपनियाँ ख़राब नहीं है बट थोड़ी सी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी हो गई थी, और वो वैल्यूएशन अब आप लोग देखोगे ऊपर से हमें एडजस्ट भी होते हुए नज़र आ रही है। तो जो स्टॉक ये 50% 40% गिरी हुए ना भाई, इनमें तेजी भी बनेगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस, ठीक है। और जो भाई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां भाई जहां पर SIP करने का बड़ा मौका है, तो आपके लिए एक फ्रेश लिस्ट लेके आएंगे भी हम संडे के दिन,
तैयार रहना, जैसे ही वो फ्रेश लिस्ट आएगी उसके अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यानी कि चाहे एक एक शेयर खरीदना पड़े हमें, जो भी बेस्ट क्वालिटी के शेयर होंगे, जो अच्छी गिरावट में अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनियां जो मिलेंगी उन्हें नहीं छोड़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए एसआईपी करना स्टार्ट करेंगे तो संडे के दिन आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बैठ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यहाँ पर जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, निफ्टी का जो सपोर्ट है वो इसके 200 DMA पर है, ठीक है। यानी कि 350 के आसपास तक जो ये मार्केट है 23,350 के आसपास तक नीचे में आ सकता है, चांस है पूरे के पूरे। और बाकी देखो भाई, यहाँ से तो नेगेटिव संकेत बन ही गए हैं इसके, जो ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना है इसको नीचे में काटा है, तो चांस इसके ज़्यादा रहेंगे भी नीचे में आने के ही, ठीक है। आ सकता है अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में ये जो है अभी 23,300 के आसपास, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।